नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ दिन भागवत कथाएं नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हमने ये विचार किया कि अब तो जो है कथाएं लगातार रेगुलर चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी हम लोगों ने जो है लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? बताइए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? 2.10.4 हमने ये फिनिश किया था, है ना? आज हमारा बहुत 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 महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, ठीक है, हम उनको देखेंगे। तो आज हम लोग आएंगे 2.10.5। चल क्या रहा है? नारद ब्रह्मा संवाद। इसलिए आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, नारद जी दिख रहे हैं और ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये नारद जी ने प्रश्न पूछा है ब्रह्मा जी से कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कौन सब कुछ कर रहे हैं, कृपया आप मुझे ये बताइए, है ना? तो वो जो है पूछने, उन्होंने जब नारद जी ने पूछा, तो चूंकि नारद जी से ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनको बता भी रहे हैं कि कौन जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, है ना, सर्वोच्च भगवान कौन है, ये हमें कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, नारद जी के द्वारा हम लोग भी देख पा रहे हैं। तो कहते हैं, आइए 2.10.5 में ओपन कर लिया आप लोग भागवतम में, हाँ ओपन कर लीजिए। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मिता। थोड़ा आज मेरा गला बैठा हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन तब भी मैनेज कर लीजिए। कहते हैं अवतारानु चरितम, अनुचरितम मतलब कार्यकलाप, अवतार मतलब भगवान के अवतार, हरे च मतलब भगवान के, च मतलब भी, अस्य उसके, अनुवर्ति नाम अनुयायी, पुंसाम मनुष्यों का, ईश कथा ईश्वर का विज्ञान। तो देखिए इधर एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने एक एक शब्द आपको बोला है,
है ना, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं प्रोक्ता कहा गया नाना विविध आख्यान कथाएं उपब्रह्मता वर्णित है, यानी भगवान की जो कथाएं हैं उनके अवतार के बारे में, उनके जो लीलाओं के बारे में ये सब वर्णित है। और ये क्या कहलाता है, ये ईश विज्ञान कहलाता है ना, ईश कथा मतलब ईश विज्ञान। कहते हैं कि ईश्वर विज्ञान, तो विज्ञान क्या है, जैसे आप लोगों को आपके स्कूल में या कॉलेज में एक थ्योरी पढ़ाते हैं, उस थ्योरी के बाद क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जब हमें क्या होता है, जब हमें थ्योरी पता चले और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करा दिया जाता है तो वो विज्ञान कहलाता है, यानी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। अभी हमने क्या किया, केवल और केवल अभी थ्योरी चल रही मान लीजिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं चल रहा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्टली सच में कैसे काम करेगी। जैसे आपको ये पता चले कि एक वायर अगर किसका है, अगर एक तार जो है कॉपर का वायर है और उस कॉपर वायर को अगर आपने करंट में डालेंगे तो उसको अगर कनेक्ट करेंगे एक बल्ब से तो रोशनी आएगी, ये आपको किसी ने बता दिया, अब आपके दिमाग में रह जाएगा हाँ एक वायर कनेक्ट करेंगे तो रोशनी आएगी। लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा नहीं आई कि मुझे हर हालत में ये रोशनी चाहिए, मुझे कैसे वो रोशनी कैसे आएगी, वो क्या रोशनी है, तब तो हमको ईश्वर का तो हमको उस ज्ञान को विज्ञान में बदल नहीं पाएंगे। तो विज्ञान क्या हो गया, द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज इज विज्ञान, है ना, यानी ज्ञान का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, विज्ञान है। और वो विज्ञान क्या होता है, ऐसे नहीं आता, वो विज्ञान कैसे आता है, पूरे एफर्ट पूरे प्रयासों से पूरे अपने जोर लगाने के बाद आता है कि किसी तरीके से मुझे बस वो विज्ञान समझ में आ जाए, कैसे वो मैं करके देखना चाहता हूँ एक बार। तो बोला गया कि भगवान के कई अवतार हैं, अब उन अवतारों को मैं हर हालत में समझना चाहता हूँ, अगर मैं समझना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो भगवान के अवतारों का ज्ञान होना चाहिए, अगर ज्ञान ही नहीं है तो विज्ञान कहाँ से, है ना, ज्ञान के बाद ही विज्ञान आएगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो विज्ञान तो नहीं आ सकता। तो क्योंकि तो इसलिए कहते हैं भक्ति के शुरुआती दौर पर ज्ञान होना जरूरी होता है ना, अगर हमें ज्ञान हुआ तो हम विज्ञान की तरफ भाग सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर विज्ञान, और ईश्वर विज्ञान है क्या, ईश्वर की कथा ही ईश्वर विज्ञान है, इसे कहते हैं ईश कथा, श्री भगवान के विविध अवतार उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है जो ईश्वर विज्ञान है, यानी ईश कथा। तो श्रीमद् भागवतम क्या हो गया, द बुक ऑफ साइंस, क्या हो गया श्रीमद् भागवतम, द बुक ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की किताब है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, भगवान के बारे में उनकी विविध अवतार उनकी लीलाएं और उनके भक्तों के कार्यकलाप सब इसमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे विज्ञान कहते हैं, ईश्वर का विज्ञान। हम क्या सोचते हैं हमारे लिए और हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जो मैंने अपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करी, ये तो ज्ञान होते चले गए, लेकिन उस ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होगा, उस ज्ञान से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ एक नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है उसके बाद जो है जॉब मिल जाएगी, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं होगा इस ज्ञान से। इसलिए कहते हैं परम विज्ञान क्या है, परम विज्ञान है श्रीमद् भागवतम, और वो श्रीमद् भागवतम आपको क्या बताता है, भगवान के विविध अवतारों के बारे में बताता है और उनकी लीलाओं के बारे में बताता है और भक्तों के कार्यकलापों के बारे में बताता है ना, ये सब बारे में बताता है। तो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं जिसकी इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है, जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। तो हमें अगर इस विषय का ज्ञान नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नोटेड हो रहा है, कई बार बोलते हैं लोग कि अरे प्रभु जी आप तो जो है चलो भक्ति करते हैं, कई लोग बहुत भक्ति करते हैं और भी भक्ति करते हैं, उनको तकलीफ क्यों होता है, उनको प्रॉब्लम क्यों होता है, वो पूछते हैं आखिरकार उन्होंने क्या गड़बड़ करी, उनको तो मैं देखता हूँ हमेशा वो भक्ति करते रहते हैं, हमेशा भक्ति करते रहते हैं, उनको क्या दिक्कत हो गई, तो कोई बता सकता उनको क्या दिक्कत हो गई, ऐसा क्यों होता है उनके साथ, चलिए नोट करिए सेंड करिए, क्यों हो सकता है ऐसा,
उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति के साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है? हम भक्ति कर रहे हैं, कहते हैं प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनको तकलीफ भी हो रही है, उनको कष्ट क्यों हो रहे हैं अगर वो भक्ति कर रहे हैं? भगवान यानी इतना निर्दयी है? अरे नहीं, भगवान इतने निर्दयी नहीं है। भगवान जो इतने निर्दयी नहीं है, क्या है, हमने जो कर्म किया था ना, वो कर्म बदल करके क्या हो गया, उसका फल मिलने लगता है। प्रारब्ध कर्म, चेतन और बिल्कुल सही बोला आपने, प्रारब्ध कर्म, वो जो प्रारब्ध कर्म है ना, कर्मों का जो फल, निधि माता जी बिल्कुल सही, कर्मों के फल, यानी जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्म बीज अवस्था में होते हैं, यानी एक सुसुप्ता अवस्था में है, और आप कभी भी अगर उस कर्मों को, सुसुप्त अवस्था के कर्म को आप बो देंगे तो वो जैसे ही हम जन्म लेते हैं वो बो जाता है, वो अंकुरित होता है, उसका पेड़ बनता है, फिर फल मिलता है। लेकिन वो पेड़ बनने से फल बनने तक हमने खूब भक्ति करी, वो फल बना और वो फल हमें प्राप्त भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, जब भक्ति हम करते हैं उस फल को लेने के लिए, अगर मान लीजिए हमारे कर्म बुरे थे या कुछ ऐसे कर्म थे, उस फल को लेने की क्षमता बढ़ जाती है और वो कष्ट पता नहीं चल पाता, या वो कष्ट बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, है ना। और कौन से आप लोग कौन कौन बताएंगे कर्म फलों के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कर्म कौन कौन प्रकार के होते हैं? मैं बताता हूँ, एक बीज, एक प्रारब्ध, और बताइए, लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं वो लिख के बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से कारण होते हैं, यानी एक होता है बीज, प्रारब्ध, एक का से स्टार्ट होता है, सोचिए सोचिए डालिए, है ना। हाँ, कूटन, तो जो है बीज, कूट, प्रारब्ध, है ना। तो ये सब ऐसे फल हैं जो क्या होता है, ये जो है धीरे से कभी आके आता है, यानी प्रारब्ध मतलब जो आप भोग रहे हैं, कूटम मतलब जो भोगने वाले हैं, बीज मतलब जो बड़ा होगा फल मिलेगा वो भोगेंगे, ये ऐसे डिवाइड किया गया है, है ना। फिर कहते हैं छठवां श्लोक में आ जाइए, 2.10.6 क्या है, निरोधो स्यानुशयनात् शयनमात्मनः सह शक्ति भी, मतलब निरोधः अस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्ति भी मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। क्या कह रहे हैं, निरोध मतलब जगत का लय, मतलब जगत क्या हो रहा है, लय हो जा रहा है, अस्य उसका अनुशयनम पुरुष अवतारी महाविष्णु का योग निद्रा में लेटना, यानी अनुशयनम। देखिए योग निद्रा में भगवान लेटे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खर्राटे मार के सो रहे हैं। वो योग निद्रा में लेटते हैं उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वो अपने उनके दिव्य कार्य चलते रहते हैं, उनकी शक्तियां करती हैं, है ना, उनकी जो शक्तियां है ना वो दिव्य कर्म करती रहती हैं। हम लोगों को पता नहीं होता है ना कि उनके कार्य चल रहे हैं, अगर ये सृष्टि चल रही मतलब भगवान सो नहीं रहे हैं, लेकिन असली में भगवान सो रहे हैं। आप सोचे नहीं, वो दिव्य निद्रा में है, है ना, योग निद्रा में है, वो योग निद्रा में है मतलब वो सो रहे हैं, लेकिन उनके सोते भी सोचिए सारी सृष्टि तो चली रही है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी का एक बिजनेसमैन जो बिल्कुल ओनर है कंपनी का, वो मान लो अपने घर में सो रहा है, लेकिन उसके सोने का मतलब ये नहीं कि उसका बिजनेस चल नहीं रहा, सोने का मतलब है कि वो बिजनेस चल रहा है सारा, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है। और अभी कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो उसको फ़ोन चला जाएगा और तुरंत उठ करके सारे कार्य करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंपनी का ओनर है। लेकिन भगवान को उठने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को सब पता चलता रहता है कहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है, किसको मेरे भक्त को घमंड आ रहा है, कौन मेरी ज़्यादा भक्ति कर रहा है, उन सब को भगवान पता चलता रहता है, और भगवान उनके साथ उनको जो है क्या देते हैं, फल देते हैं, है ना। तो कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। देखिए इसमें ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं नारद जी को, कह रहे हैं कि देखो ये सृष्टि बन रही है, उसके बाद ये सबके सब जितने जीवात्मा, अब जीवात्मा में ब्रह्मा जी भी आ गए, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब जीवात्मा बन गए। कहते हैं जितनी जीवात्माएं हैं वो सब क्या करती हैं, सब महाविष्णु के में जाके लीन हो जाती हैं। तो देखिए दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रलय होते हैं, एक आंशिक प्रलय होता है, एक पूर्ण प्रलय होता है। आंशिक प्रलय क्या होता है, ये ब्रह्मांड है ना हमारा,
उस ब्रह्मांड में सबसे नीचे कौन है? गर्भोदशा विष्णु है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो रात भी उनकी जो है कैसे रात होती है, तो जैसे 12-12 घंटे, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जो 12 घंटे का दिन है उसमें 14 मनवंतर हो गए, तो उतनी बड़ी रात्रि होती। तो जो रात्रि है ना, उस समय क्या होता है, सारे जीव कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी की रात में वो सारे सारे लोक क्या होते हैं, गर्भोदशाएं विष्णु के गर्भ में वापस चले जाते हैं, सारे ब्रह्मा जी सही सब चले जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी के दिन होता है तो फिर से वापस सारे लोग आते हैं और अपने अपने जगह पर सेट होते हैं, और सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर से प्राप्त करते हैं फलों अपने अपने, यानी जिसने जो इसकी जिस इच्छा को लेकर के उसका था, जिस जो लास्ट इच्छा थी उसकी, उस इच्छा अनुसार उसका जन्म होता है। इस तरह से चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक पूरा पूरा सिस्टम तैयार होता है। अब आप सोचिए, जैसे अभी जो है हमारा, अभी एक साधु थे, कथा है, एक साधु हैं, उन्होंने पूरे जीवन बहुत अच्छी भक्ति करी, पूरे जीवन। अंत में जाकर के उन्होंने अपने भक्तों से बोला कि देखो, जब मेरे प्राण निकलेंगे ना तो क्या होगा, जब मेरा जीव निकलेगा शरीर से, मैं प्राण त्यागूंगा तो एक प्रकाश बाहर आएगा, तुम लोगों को प्रकाश देखना। उनको अपने पर पूरा कंट्रोल था, उन्हें पता था कि ये जो है प्रकाश बाहर आएगा। लेकिन हुआ क्या, जब वो प्राण निकले तो प्रकाश कोई बाहर नहीं आया। सारे शिष्यों को लगा कि अरे ये तो ऐसे ही झूठ बोले थे क्या हमारे गुरुजी, जाने के पहले झूठ बोले हैं क्या? लेकिन एक्चुअली वो झूठ भी नहीं बोले थे। अगर वो झूठ भी नहीं बोले थे और प्रकाश ही बाहर नहीं आया तो हुआ क्या, तो जो है एक उनके जो दूसरे गुरु हैं जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कहते हैं वो उनको तो प्रकाश निकलना था, वो तो प्रकाश बन के ही जाना था, तो मैं सोचता हूँ क्या हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया, बैठे, देखा अरे क्या हुआ, वो एक अमरूद के पेड़ के नीचे लिटाए गए थे, अमरूद के पेड़ के नीचे गुआवा। और जब नीचे लिटाए गए थे तो उन्होंने जो है उनकी नज़र साधु की लास्ट में उस अमरूद में पड़ गई, और वो अमरूद लटका हुआ था उसे पड़ी नज़र। अब जैसे ही उन साधु नज़र पड़ी, उनको देखा, वाह कितना मीठा अमरूद होगा, काश मैं इसको खा पाता। बस ये मन में ऐसे ही ख्याल आया कि इसका तो मुझे खाने का मन कर गया है। अब वो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, उनके प्राण छूट गए और उस अमरूद में जाके वो कीड़ा बन के चले गए। आपने पूरे जीवन भक्ति क्यों करते हैं, ताकि अंत समय भगवान का नाम लेके शरीर का त्याग करें, इसलिए जीवन भर भक्ति करते हैं। इसको प्रैक्टिसिंग बोलते हैं। जिसने जीवन भर जिसका नाम लिया होगा उसकी याद आएगी अंत में, जिसके जिसके पीछे भागा होगा उसकी याद आएगी। हमें क्या है, हमें भगवान की अगर याद करना है तो हमें भगवान की, इसीलिए कहते हैं वी आर प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग फॉर व्हाट? प्रैक्टिसिंग फॉर डिवोशन, भक्ति के लिए प्रयास। क्यों भक्ति के लिए प्रयास? ताकि अंतकाले च मामेवा हो जाए, भगवान का अंतकाल में हमारे मुंह से नाम निकल जाए। और भगवान का जब अंतकाल में नाम निकलेगा तो हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। अमरूद का नाम निकल गया, उनके मन में इच्छा आ गई, काश मैं इस अमरूद को खा पाता, और इमीडिएट बेसिस उनके प्राण निकल गए और वो कहाँ बच गए जाकर के, अमरूद में जाकर के कीड़ा बन के चले गए। तो उन्होंने साधु ने ध्यान लगाया था, उन्हें पता चल गया, उनका इस अमरूद को काटो, इनका जीवन, इस कीड़े का जीवन इतना ही है, केवल बस अमरूद खाने भर के लिए कीड़े का इनको शरीर दिया गया, अमरूद खाने भर के लिए, कोई परम साधु हैं ताकि अमरूद को खा सके, अपनी अंतिम इच्छा लेकर के, क्योंकि कोई इच्छा लेकर के भगवान के धाम नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति दुनिया में इच्छा लेकर के भगवान के धाम नहीं जा सकता, बिना इच्छा के ही उसका शरीर जा सकता है। तो इसमें कुछ बिंदु हैं, अभी अब सब बताऊंगा मैं आपको। तो यानी अभी क्या हुआ, उनका जो है अमरूद काटा गया, कीड़ा उस कटते ही कीड़ा की डेथ हो गई, और तब उनको एक प्रकाश जाता हुआ दिखाई दिया। यानी वो साधु भी एक कीड़ा, यानी कीड़ा भी एक साधु था। जैसे जड़ भरत जब पूरे जो है सब कुछ अपना राज सब कुछ त्याग दिए, इतने बड़े त्यागी हैं, सब त्याग दिए, लेकिन जब गए जंगल में तो उनको एक हिरण का बच्चा देखा, एक हिरण का गर्भवती थी, और एक शेर की दहाड़ की वजह से जब वो भागी तो उसका बच्चा गिर गया, और उस बच्चे को उन्होंने पालना पोछना शुरू किया और उससे बड़ा प्यार आ गया, और अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए था तो हिरण का याद रह गया बच्चे का, और जो है फिर उसके अगले जन्म में वो हिरण बन के आ गए, और फिर अगले जन्म में वो जड़ भरत बन कर गया। तो ऐसे करके पूरा जो है ऐसे होता, तो यानी ऐसा नहीं कि उनको जो है हिरण बने तो उनको याद नहीं था, उनको सब कुछ याद था अपना, और फिर उसका जब जड़ व्रत बने तो उनको तीनों अपने जन्म का याद थे, क्योंकि उनका लक्ष्य यही था कि भगवान विस्मृत नहीं होने देते, स्मृत बना के रखते हैं जो भक्त होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ मेरा जीवन ऐसा था और मुझे ऐसा आगे लेके जाना है।
क्योंकि जो बद्ध जीव है तो बद्ध जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कौन है, जो 75% एरिया में आते हैं, यानी भगवान की सृष्टि का जो 75% एरिया है उसमें नित्य मुक्त लोग रहते हैं, वो बद्धे नहीं होते। और जो 25% है वो नित्य बद्ध लोग हैं, है ना, यानी 75 और 25 समय है। और जो नित्य बद्ध हैं उनमें भी कुछ लोग मुक्त हो सकते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो इन समाज के कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। और कहते हैं बद्ध जीव स्वेच्छा से क्या करना चाहता है, विश्व में अधिकार करना चाहता है। लेकिन जो मुक्त जीव है, जो अभी यही लोग यहाँ पे भी मुक्त हो गया है, यानी भगवान का नाम लेके भक्ति के द्वारा, वो क्या होगा, वो भगवान के धाम वापस जा सकता है, भगवान का नाम लेकर के भक्ति के द्वारा। तो कितने प्रकार के जीव हो गए, लिखिए जल्दी कमेंट्स में कितने प्रकार के जीव हैं, उनको लिखिए, मैं देखना चाह रहा हूँ सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और फिर कहते हैं कि जो है, और फिर क्या होता है, भगवान आखिरकार आदमी नित्य बद्ध बनता कैसे है, अपने अज्ञान के कारण। वो जो है भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है, तो वो जो है क्या होता है, जब भूल जाता है तो अज्ञानी हो जाता है और वो बंध जाता है ना। चेतना प्रभु सही, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बद्ध और मुक्त, और देखिए कौन कौन सुन रहा है। तो दो प्रकार के जीव, जीव कितने प्रकार के हो गए, सब लोग कमेंट भी लिखते रहा करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सच में सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि आधे घंटे को हमें डेडिकेट करना चाहिए भगवान की शरण में, और अभी आगे पता चलेगा इसका महत्व, है ना। तो कहते हैं, और दूसरी सुविधा के अनुसार भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। फिर कहते हैं तीसरा क्या भगवान ने बोला प्रभात जी के एक्सप्लेनेशन में, ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाना, ये बहुत से भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होता है। भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपा व संकलित किया क्या, यानी जो ये जो संकलन है, जैसे देखिए सभी कमेंट लिख रहे हैं, मतलब सबके सब जग रहे हैं, सबके सब सुन रहे हैं, वेरी नाइस, हरी बोल सबके लिए, मेरी तरफ से जोरदार तालियां। तो कहते हैं कि अपने बद्ध, तो जब क्या होता है, भगवान के विभिन्न अवतार कहाँ लिखे हुए हैं, शास्त्रों में वर्णित है, वो जो शास्त्रों में जो वर्णित है उन शास्त्रों को, कौन से शास्त्र, भागवतम में, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता सुन लिया, सब कुछ लाइव झिंगा लाला। अगर श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम अपना डाला तो लाइव झिंगा लाला सुनते हैं ना। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया, किसे, शास्त्रों को, ताकि बद्ध जीव उन शास्त्रों को पढ़ करके क्या कर सके, अपने आप को मुक्त कर सके, बंधन से मुक्त कर सके। फिर कहते हैं ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है ना। यानी अगर वो ऐसे साहित्य को क्या करता है, पढ़ता है, तो बंधन में रहने के बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। देखिए आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में जाता है, जेल में जाता है, उसका 10 साल की कैद हो गई, या उम्र कैद मिल जाती 14 साल की। अब क्या होता है, वो 14 साल उम्र कैद में है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा कर्म करता है ना, वहाँ पर कार्य करता है, वो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, सब कुछ वहाँ पर रह के अच्छे से कर्म करता है, और किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको जो जेलर होते हैं कहते हैं ये तो बहुत अच्छे प्रकृति में रह रहा है, इसकी सज़ा थोड़ी कम होनी चाहिए। ऐसे कर करके उससे सज़ा बहुत कम रह जाती है, कभी कभी वो 3-4 साल में ही छूट जाता है अपने कर्मों के द्वारा। वैसे ही हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, तो प्रभात जी क्या कर रहे हैं, इन शास्त्रों के यानी भागवतम के जो आप सुन रहे हैं, बंधे हुए होते हुए भी आप मुक्त रहते हैं, बंधन में रह करके भी क्या है, आप मुक्त अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सहायता प्राप्त होती है अगर हम श्रवण करते हैं तो, और ध्यान से श्रवण करते हैं, है ना। देखिए मैं आप लोगों का वीडियो नहीं देख पा रहा, मुझे पता नहीं कि आप लोग कैसे ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जितने लोग भी आते हैं उतना मुझे पता है कि वो अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर अगर आप केवल कान में लगा के सुन भी रहे हैं तो और अपना काम कर रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना जरूरी है ताकि याद रहे, इसी से सफाई होगी हृदय की, है ना। तो जो क्या है, हमें इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, जब तक कान में जाएगा नहीं, ये सफाई के लिए समझ लीजिए साबुन है, ये जो श्रवण करते हैं ना, ये शब्द है ना, ये मन के हृदय के सफाई का साबुन है। अगर हमने साबुन को अंदर नहीं डाला तो सफाई कैसे होगी, बोतल को साफ करते ना, बोतल को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, अंदर उसमें साबुन डालते हैं,
फिर उसको कस के हिलाते हैं और फिर उसको पानी निकालते हैं ताकि जो है वो उसको पूरा क्लीन हो जाए। वैसे ये हृदय है, यहाँ पे कानों से जो है क्या जाता है, कानों से साबुन जाती है, शास्त्र रूपी साबुन जाती है। हृदय में कस के वो जब जाता है ना, तो हृदय कस के पूरा उसमें भगवान उसको क्या करते हैं, फिर उसको खंगाल देते हैं और फिर जाकर ये गंदगी बाहर चली जाती है और केवल साफ सुथरा हृदय रह जाता है। तो इसी तरीके से जो है हमारी, इसीलिए हमें इन शास्त्रों को लगातार अपना करके रखना चाहिए। तो कहते हैं चेतना प्रभु जी, तो फिर शरीर क्यों नहीं त्याग सकते, मुक्ति है तो। तो जो है प्रभु जी प्रश्न है क्या, जो है तो फिर शरीर क्यों नहीं त्याग सकते, मुक्त है तो। अच्छा, मतलब जो है शरीर, प्रभु जी के शरीर क्या है, ये शरीर दो प्रकार से होता है, एक भौतिक शरीर एक आध्यात्मिक शरीर। परमजीत प्रभु जी अभी थोड़ा अच्छा हूँ, कल के दिन हार्ट का, किडनी का, लीवर का सारा टेस्ट हुआ, सब बिल्कुल अच्छा आ गया, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से बिल्कुल शरीर सही जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इसके लिए। तो जो है अभी अभी देखिए, जैसे जो शरीर है वो दो तरह का होता है, एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक शरीर। जो भौतिक शरीर है वो क्या होता है, हमारे शरीर तब तक भौतिक है जब तक जो है हम when we are liberated souls and go back to Godhead। हाँ, अगर हम लोगों ने शरीर को ऐसे ही त्याग दिया तो सुसाइड हो जाएगी। तो भगवान ने हमें मान लीजिए 70 साल कर्म करने के लिए भेजा है ना। तो कहते ना, अगर कोई नौकरी करना है, 60 वर्ष से गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 60 ईयर्स तक कर्म कर सकते हैं, और हमने क्या किया, 50 साल में ले लिया, तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है। हम 50 साल में ले सकते हैं, हमने कहा मेरा काम हो गया, लेकिन जो हमारी पेंशन है वो कम बनेगी हमें। जो जो है अगर हमने 50 साल में ही अगर रिटायरमेंट ले लिया तो हमें घर में बैठ करके बोर अलग से होना पड़ेगा, लोग बेचारे अलग से करना शुरू कर देंगे तो क्या है, भगवान ने अगर हमें यहाँ 70 साल भेजा है तो चाहे कष्टों से, चाहे सुख से, चाहे दुख से, चाहे किसी प्रकार, हमें ये 70 साल काटने पड़ेंगे। जिस समय अगर प्राण निकल गए वो हमारे हाथ में नहीं है, अपने हाथ से प्राण त्याग देना ये हमारे हाथ में है, लेकिन वो हमने भगवान के आदेश का फिर पालन नहीं किया है ना, क्योंकि भगवान ने हमें थोड़ी स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल भगवान के पास जाने में करना चाहिए, न कि शरीर को त्यागने में करना चाहिए। शरीर क्या है, ये क्या है शरीर, बॉडी, ये आध्यात्मिक अगर हो जाती है तो यहाँ रह के भी आप आध्यात्मिक हैं। अब आध्यात्मिक कैसे होगी, आपके अंदर जो ये शरीर जीव है, जो जीव है वो कैसा जीव है, वो जीव है अभी बंधा हुआ है, संकुचित है, लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, किस चीज़ का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका पानी खाद डालते हैं, इत्यादि डालते हैं, ये जीव क्या होता है, इसके अंकुरित होने लगता है और ये पेड़ सोचिए शरीर में अंदर बड़ा होने लगता है और ये पूरे शरीर में अध्यात्म को फैलाने लगता है और शरीर आध्यात्मिक और हो जाता है और उसमें एक प्रकाश आ जाता है और हृदय चमक उठता है, बुद्धि चमक उठती है और वो बुद्धि क्या करती है, हमें ईश्वर तक ले जाने का रास्ता खोजती है। तब हमें शरीर में होने वाले कोई कष्ट समझ में नहीं आते। अरे लोग जो है हमारे जो आचार्य हैं, है ना, जो गोस्वामीज हैं, सट गोस्वामी, उन लोगों ने बालू खा खा करके शास्त्र लिखे हैं, भूख लगी थोड़ी बालू खा ली, जो मतलब कुछ भूख लगा तो कुछ भी ऐसे ही मतलब कर लिया, लेकिन भगवान के शास्त्र लंबे लंबे बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे लिख डाले हैं। आप सोचिए क्यों, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शरीर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब क्या जा रहा है, क्या नहीं आ रहा, भूख लगी है, प्यास लगी है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, एक प्रकार से वो मुक्त हो चुके हैं, एक प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। कौन सा शरीर छोड़ दिया है, भौतिक शरीर छोड़ दिया है, और कौन सा शरीर पकड़ लिया है, आध्यात्मिक शरीर पकड़ लिया है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, वो शरीर छोड़ना ही हो गया। प्रभु जी कहते हैं, और जैसे ही लोग जो पुरुष है, व्यक्ति है, भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र क्या है, बद्ध जीव की अज्ञानता है, और जैसे ही वो भगवान की शक्ति में स्थिर होता है वो इससे तुरंत मुक्त बनने का अधिकारी बन जाता है। जैसे आप लोग, आप सब क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को लगातार प्रयास कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, तभी आप भगवान की शक्ति में आप स्थिर हो चुके हैं और आप किसके अधिकारी बन गए। इट्स नॉट 100% श्योर दैट यू विल गो, ये 100% सही नहीं कि आप, हम लोग जाएंगे जाएंगे, लेकिन हम उसके अधिकारी हो गए। जैसे कोई IIT कर लेता है, उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी, इसका वो राइट्स उसको मिल जाते हैं,
लेकिन लगेगी कि नहीं लगेगी ये पता नहीं। किसी ने बीटेक कर लिया तो बीटेक करने के बाद ही विल बी इंजीनियर, कहीं ना कहीं लग सकती है, लेकिन 100% लगेगी इस बात की सियोरिटी नहीं है, है ना। वैसे ही हम अधिकारी बन गए, क्यों सियोरिटी नहीं, कि उसको और प्रिपरेशन करना है। अभी हम अधिकारी हो गए हैं, हमें और तैयारी करना है, और भक्ति करना है, ताकि हम इंटरव्यू भगवान का पास कर पाए और सीधे गो बैक टू गॉड हेड, है ना, भगवान के धाम सीधे जा सकें। हमें ये अपने आप में जो है प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब भक्ति शुरू कर दी, इसका मतलब जब गोलोकी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। हमने अभी अधिकारी हो गए हैं, अब और जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना सक्सेसफुली तपस्या करेंगे, आप उतना ही भगवान के धाम तक पहुंचते चले जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान कहते हैं, भगवान देखिए हर व्यक्ति कोई ना कोई रस लेना चाहता है, है ना, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति कोई ना कोई रस लेना चाहता है। आप सोचिए, अगर आप शहद लेना चाहते हैं तो शहद की खरीदने की दुकान जाइए, है ना, और अगर आप दारू लेना चाहते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम तो जो है क्या कहते हैं अंगूर का रस लेना चाहते हैं, मतलब दारू लेना चाहते हैं, दारू की दुकान जाएंगे। लेकिन हमें जब भक्त होता है वो क्या करता है, वो सारे रस लेता है जो भगवान के पास सारे रस है, तो भगवान से रस प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास सारे रस है। कहते हैं रसो वै सह रसम ही अवायम लब्धानंदी भवती, लब्धानंदी भवती आनंदी भवती। यानी कहते हैं कि भगवान के पास जाना चाहिए अपने किसी भी रस के लिए, ताकि जो है हमें भगवान से वो रस डायरेक्टली प्राप्त हो सके, है ना। अगर भगवान से रस प्राप्त होगा डायरेक्टली, मतलब ये नहीं कि हम गुरु को त्याग दे सीधे भगवान पास जाने, नहीं, गुरु के माध्यम से ही भगवान के पास पहुंचेंगे और वहां से रस प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको जो है वृंदावन जाना है और आप पैदल चलना शुरू कर दें तो कितनी देर में पहुंचेंगे, और अगर आपने फ्लाइट ले ली बेंगलोर से या कहीं से फ्लाइट ले लिया तो 2 घंटे पहुंच जाएंगे। तो गुरु उस फ्लाइट की तरह है जो भगवान के पास तक बड़ी जल्दी पहुंचा देते हैं, है ना। हम पैदल जाएंगे, हम कहेंगे नहीं हम तो वृंदावन अकेले चले जाएंगे, पैदल जाएंगे, लग जाएगा साल भर जाने के लिए, चलते रहिए, वहां जाते जाते टूट जाएंगे, फिर वृंदावन जाके जब थक जाएंगे तो क्या सेवा करेंगे। और फ्लाइट से जाएंगे यानी गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, भगवान बड़ी जल्दी प्राप्त होंगे, और जाकर के फिर क्या होगा, हम सीधे और पूरे एनर्जी के साथ भगवान की सेवा कर सकेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए एक यही फाइनल संदेश है कि आप कोई भी रस ढूंढना चाहते हैं, कोई भी भक्ति ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की शरण में चाहिए, उन्हीं से रस प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला थोड़ा खराब है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी कंटेंट आपको पूरी एनर्जी से दूँ। कैसा लगा आपको कथा? देखिए ये जरूरी है कि अगर हमें कथा अच्छी लगी हो और उसमें जो कथा के अंदर कंटेंट अच्छा लगा है, और ये इतनी महत्वपूर्ण कथा है कि हमें और 10 लोगों को बताना चाहिए, तो इसको जरूर शेयर करना चाहिए, है ना। अपने अपने पेज में शेयर करिए, अपने फेसबुक अकाउंट में शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों में अगर किसी एक को भी ये चीज़ समझ में आ गई तो आप उसके मार्गदर्शक गुरु बन जाएंगे। कहा जाता है कि मंदिर जाने के लिए एक बोर्ड खड़ा होता है, मंदिर का रास्ता यहाँ है, है ना। तो जो है ये मंदिर का रास्ता यहाँ पर है, ऐसे करके एक बोर्ड खड़ा होता है, वो मार्गदर्शक गुरु है, मंदिर जाने का रास्ता बताता है। वैसे ही हम अगर हम कथा नहीं कर रहे हैं आजकल, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इन कथाओं को शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इसमें लाभान्वित हो सकें। और उस समय अपने अपने पेज में सब डाल दीजिए, और कोई अगर ओपन करके जरा सा भी किसी का मन लग गया, उसने कथा ज्वाइन कर लिया, तो आप मार्गदर्शक गुरु बन जाएंगे उनके। ये हम लोगों को हमारे गुरु लोग बोलते हैं, है ना, ये सब जानते हैं, जो लोग डिवोटीज हैं जो जानते हैं उनके बोला करते हैं कि आप उनको जरूर आगे बताइए, है ना, ताकि वो इन कथाओं को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके, ठीक है। चलिए फिर जो है लेते हैं अल्पविराम, मीनिंग का अगले श्लोकों के साथ, है ना। फिर से 2.10.6 तक हमने खत्म किया है, 2.10.7 से आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म होते ही हमारा 3rd कैंटो 3रा स्कंद शुरू हो जाएगा। 3रा स्कंद बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से कल के दिन भागवतम के अगले श्लोकों के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा।